जानवी जी। थैंक यू मुरली। मोस्ट वेलकम। जानवी जी, आई एम रियली सॉरी। आधे अधूरे सबूतों की बुनियाद पे मैंने साधु सर पे उंगली उठाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। वैसे कितनी खुशी की बात है कि साधु सर की आन को अपना रहे हैं, उसे अपना नाम दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपको भी साधु सर के बेटे को अपना लेना चाहिए, तभी तो सही मायने में एक हैप्पी फैमिली बन पाएगी। नहीं सोचिए सोचिए, शादी के हर फंक्शन में सिर्फ आपका बेटा कियान हो और उनका बेटा ना हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। नहीं, मुझे जो लगा मैंने आपसे कह दिया। हाँ तुम सही कह रहे हो मुरली, तीर एकदम निशाने पे लगा है। अब साधु की सच्चाई जानवी जी के सामने आके ही रहेगी। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, साधु सर का बेटा। साधु सर। अरे जानवी, जानवी तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कल कियान के एडॉप्शन का प्रोसेस होगा, जहां मैं उसे कानूनन अडॉप्ट कर लूंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये लो पेपर्स। हाँ सर, मैं इन फॉर्म्स को फिल कर दूंगी। सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ सर। सर आपने मेरी और कियान की इतनी मदद की है, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं आपके बेटे से भी मिल सकती हूँ? सर मैं जानती हूँ कि मैं उसकी माँ नहीं बन पाऊंगी, पर सर मैं आपसे दावा करती हूँ कि मैं अपने कियान और आपके बेटे में से रत्ती भर भी फर्क नहीं करूंगी। जो बेटा है ही नहीं, उस बेटे को कैसे जानवी जी से मिलवाएगा? साधु तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जानवी कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं तो खुशी खुशी तुम्हें अपने बेटे से मिलवा देता, पर वो प्रॉब्लम क्या ना, मेरी एक्स वाइफ की बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्सेल टाइप की है, वो ना बहुत मुश्किल से उससे मुझसे मिलने देती है। उफ़, तुम्हें क्या बताऊं, इतना ड्रामा करती है ना वो। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी एक्स वाइफ से बात करके देखूं। शायद मैं उन्हें मना पाऊं, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना।